देखिए आज के इस लेक्चर में 19.15 करने वाले हैं। 19.14 जो स्पेशल इंटीग्रल के ऊपर बेस्ड था, सेम ये भी एक्सरसाइज स्पेशल इंटीग्रल के ऊपर ही बेस्ड है। यहाँ इस फॉर्म में बनाने के लिए इसे पहले कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना पड़ेगा, इसे एक्स स्क्वायर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो देखिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर का बहुत ईजी मेथड बता रहे हैं। देखिए सबसे पहली चीज़ आपको ये चेक करना है कि सबसे फर्स्ट में एक्स स्क्वायर वाला पार्ट होना चाहिए, देन आप एक्स जहाँ पे है उसको आप देखेंगे, उसके साइन को चेक कीजिए क्या है पॉजिटिव, तो ये ब्रेक होगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर में, क्लियर। ये क्या होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए अब कंपेयर कीजिए दोनों को, तो अगर ए स्क्वायर की जगह फोर एक्स स्क्वायर है, क्लियर, तो ए के प्लेस पे क्या आ जाएगा 2x। नाउ 2ab, 2ab के पार्ट पे यहाँ क्या है 12x, ए हम निकाल चुके हैं 2x एंड b इक्वल्स टू 12x, ये क्या हो जाएगा 12x अपॉन 4x 3। सो इसे हम लिख सकते हैं a प्लस b के होल स्क्वायर में 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। नाउ अब देखिए 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9, यहाँ क्या है 5, तो हमें माइनस 4 करना पड़ेगा जिसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, क्लियर। तो ये पार्ट और ये पार्ट इक्विवेलेंट है, बड़े आसानी से हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर किया। अब देखिए अब ये फॉर्म किस फॉर्म पे ऊपर है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1 अपॉन 2a, a के प्लेस पे क्या है 2, तो 2 इंटू 2 4 log x माइनस a, तो x के प्लेस पे आ जाएगा 2x प्लस 3 और माइनस a तो माइनस 2 और यहाँ x प्लस a एंड देन प्लस c। नाउ यहाँ x नहीं है तो 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन 2 जो कि नीचे आ जाएगा, तो ये बन गया 1 अपॉन 8 log 2x प्लस 1 2x प्लस 3 प्लस 2 5 प्लस c, ये आंसर आ गया, क्लियर। देखिए नेक्स्ट है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 34, तो यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे एक्स स्क्वायर है, ठीक। नाउ x का अब साइन चेक करिए तो नेगेटिव है, तो देखिए नेगेटिव है मीन्स कंप्लीटिंग द स्क्वायर में ये बनेगा a माइनस b के होल स्क्वायर, तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इन दोनों को कंपेयर कीजिए, तो ए स्क्वायर के प्लेस पे है एक्स स्क्वायर, तो ए क्या हो जाएगा एक्स। नाउ टू ए बी को कंपेयर करें इससे, तो यहाँ है टेन एक्स, ए हम निकाल चुके हैं एक्स बी, तो बी क्या हो जाएगा टेन एक्स अपॉन टू एक्स दैट मीन्स 5, तो ये बन गया 1 अपॉन a माइनस b के होल स्क्वायर, तो x माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस 10x तो आ गया प्लस 25 आएगा, यहाँ क्या है 34, तो प्लस 3 का स्क्वायर भी करना पड़ेगा। नाउ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ये वाला फॉर्म बन गया, तो देखिए 1 अपॉन a, तो a के प्लेस पे यहाँ 3 है। नाउ tan इनवर्स x अपॉन a, तो x माइनस 5 अपॉन ए 3, यहाँ सिर्फ एक्स नहीं है तो इसका डिफरेंशिएशन 1 आएगा, तो नीचे इंटू 1, तो कोई फर्क नहीं पड़ना है प्लस सी, क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ है बट इसका साइन नेगेटिव है। अब आप खुद सोचिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर करें या ए प्लस बी का होल स्क्वायर करें, तो ए स्क्वायर नेगेटिव नहीं आ सकता है, तो अगर हमें इस पे इसको चेंज करना है तो एक्स स्क्वायर शुड बी पॉजिटिव, तो वो कैसे होगा माइनस अगर हम कॉमन ले ले तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर देन माइनस एक्स और ये हो जाएगा माइनस 1 डी एक्स, क्लियर। नाउ एक्स के साइन को चेक करें, नेगेटिव है दैट मीन्स ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक होगा, तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, तो आप कंपेयर करें ए स्क्वायर के प्लेस पे लिखा है एक्स स्क्वायर,
तो ए बन गया हमारा एक्स, टू ए बी है एक्स, तो ए के प्लेस पे रख दीजिए एक्स और बी इक्वल्स टू एक्स, तो बी इक्वल्स टू क्या हो गया एक्स अपॉन टू एक्स, दैट मीन्स वन बाय टू। नाउ ये क्या बन गया वन अपॉन एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर। तो देखिए लास्ट में क्या आएगा प्लस वन बाय फोर, यहाँ क्या है माइनस वन, तो अब इसमें क्या ऐड करें, तो इसके लिए भी आपको चिंता नहीं करना है, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, लॉजिक यूज कीजिए, इक्वेशन बनाइए, यहाँ क्या है वन बाय फोर, तो हमें नहीं ध्यान आ रहा है क्या ऐड करें, तो मान लीजिए वन बाय फोर में हम एक्स ऐड करते हैं तो ये आना चाहिए माइनस वन, तो एक्स क्या आ जाएगा माइनस वन माइनस वन बाय फोर, माइनस फोर माइनस वन माइनस फाइव बाय फोर, क्लियर। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं माइनस फाइव अपॉन फोर, जिसको हम लिख सकते हैं रूट फाइव अपॉन टू का होल स्क्वायर, ठीक है। वन बाय फोर में हम माइनस फाइव बाय फोर करें, वन बाय फोर माइनस फाइव बाय फोर, ये क्या हो जाएगा माइनस फोर बाय फोर, माइनस वन आ गया, क्लियर। तो देखिए वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये फॉर्म है, तो क्या बन जाएगा वन अपॉन टू ए, तो माइनस साइन पहले से है वन अपॉन टू ए, तो टू ए के प्लेस पे आ गया रूट फाइव अपॉन टू। नाउ लॉग एक्स माइनस ए, तो एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, तो एक्स प्लस ए, क्लियर, एंड प्लस सी, ये क्या बन जाएगा देखें, इसको हम लिख सकते हैं ये टू टू कैंसिल, तो माइनस वन अपॉन रूट फाइव एंड देन लॉग, देखिए टू एक्स माइनस वन माइनस रूट फाइव होल अपॉन टू, और यहां भी होल अपॉन टू आएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहां क्या मिल गया टू एक्स माइनस वन प्लस रूट फाइव प्लस सी, क्लियर। देखिए बुक में जो इसका आंसर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है वन अपॉन रूट फाइव लॉग रूट फाइव माइनस वन प्लस टू एक्स अपॉन रूट फाइव प्लस वन माइनस टू एक्स। तो देखिए अगर हम इस माइनस को यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई कर दे, तो ये क्या बन जाएगा रूट फाइव अपॉन टू का स्क्वायर, और ये बन गया माइनस एक्स माइनस हाफ का स्क्वायर। तो ऐसे केस में ये फॉर्मूले पे सॉल्व हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये भी करेक्ट है एंड ये भी करेक्ट है, क्लियर। देखिए अगला है वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन, तो एक्स का साइन चेक कीजिए माइनस है, तो ये सॉल्व होगा ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे, ये होता है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्लियर। अब इससे इसको कंपेयर कीजिए, तो ए स्क्वायर है टू एक्स स्क्वायर, तो ए क्या हो जाएगा रूट टू एक्स, अब टू ए बी के प्लेस पे है एक्स, तो टू और यहाँ ए के प्लेस पे रूट टू एक्स, बी इक्वल्स टू एक्स, एक्स एक्स कैंसिल, बी की वैल्यू आ गई वन अपॉन टू रूट टू, इतना क्लियर। अब देखिए इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं वन अपॉन ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तो रूट टू एक्स माइनस वन अपॉन टू रूट टू का होल स्क्वायर, तो लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में आएगा वन और इसका स्क्वायर अपॉन में, तो क्या हो जाएगा फोर इंटू टू एट, वन अपॉन एट आएगा, यहाँ क्या है माइनस वन, तो चिंता नहीं करना है। देखिए वन अपॉन एट में क्या ऐड करें कि माइनस वन आ जाए, तो एक्स हो गया माइनस वन माइनस वन अपॉन एट, माइनस एट माइनस वन माइनस नाइन अपॉन एट, तो यहाँ हम लिख सकते हैं माइनस नाइन अपॉन एट को थ्री अपॉन एट को टू रूट टू और इस पूरे का होल स्क्वायर डी एक्स, क्लियर। नाउ ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इस फॉर्म में, तो ये हो जाएगा वन अपॉन टू ए, तो टू ए लॉग एक्स माइनस ए, एक्स के प्लेस पे ये पूरा आएगा रूट टू एक्स माइनस वन अपॉन टू रूट टू एंड प्लस माइनस ए, तो माइनस थ्री अपॉन टू रूट टू एंड नीचे एक्स और प्लस ए, क्लियर।
बन गया, 2 से 2 कैंसिल, इसको लिख सकते हैं रूट 2 बाई 3 लॉग। देखिए 2 रूट 2 इंटू रूट 2 4, तो 4x माइनस 1 माइनस 3 तो माइनस 4 यहाँ बन गया, और अपॉन 2 रूट 2 और ये अपॉन 2 रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ गया 4x माइनस 1 प्लस 3 प्लस 2 एंड प्लस सी। क्लियर। और एक और चीज, यहाँ पे सिर्फ x नहीं है, रूट 2x माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2 है, तो इसका डिफरेंशिएशन भी आएगा जो कि होगा रूट 2, तो ये भी अपॉन में आएगा, तो यहाँ पे रूट 2 भी आएगा। क्लियर। इट मीन्स यहाँ पे रूट 2, तो ये रूट 2 और ये रूट 2 कैंसिल, तो ये बन गया 1 अपॉन 3 लॉग। अब यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो पूरे के पूरे 2 से कैंसिल हो सकता है, तो 2x माइनस 2 और ये बन जाएगा 2x प्लस 1 प्लस सी। नाउ इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 3 लॉग, ऊपर से 2 कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1 प्लस सी, ये आंसर आ गया। क्लियर। देखिए लास्ट क्वेश्चन है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13, ठीक है, तो यहाँ पे साइन क्या है, प्लस है। क्लियर। और एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 1 है, तो जब हम इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक करेंगे तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 6x भी आ जाएगा, और प्लस 9 यहाँ है 13, तो प्लस 4 और करना पड़ेगा, तो 2 स्क्वायर। ठीक है। नाउ ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्म, ये वाला, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ए, तो 1 अपॉन 2 टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स अपॉन ए प्लस सी। नाउ इसका डिफ्रेंसिएशन 1 ही होगा, तो नीचे 2 इंटू 1, तो कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो यहाँ 19.15 भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में 19.16 देखेंगे।